मैं हूं आपका मेज़बान वकार हुसैन। सबसे पहले नज़र डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में ईरान के ख़िलाफ़ मुजाहरा। टोरंटो शहर में मुजाहरे में हज़ारों अफराद की शिरकत। मुजाहरीन ने तेहरान में हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा किया। कैनेडियन मुसल्ला फ़ौज के सरबरा फ़ौज की तैयारियों के हवाले से फ़िक्रमंद। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ का कहना है कि समंदरी तूफान और यूक्रेन जंग से मुतासर हुए हैं। कैनेडा के शहर टोरंटो में सैकड़ों साइकिल सवार सड़कों पर निकल आए। साइकिल सवारों का टोरंटो की सड़कों को महफूज बनाने का मुतालबा। साइकिल सवार मुजाहरीन का कहना था कि टोरंटो की सड़कें साइकिल सवार और पैदल अफराद के लिए महफूज नहीं हैं। ईरान में लड़की की हलाकत के खिलाफ एहतजाज जारी। हलाकतों की तादाद 133 हो गई। मुजाहरों का दायरा तेहरान, शिराज, मशहद समेत दीगर शहरों तक फैल गया। ईरान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा ने भी एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए। समंदरी तूफान से अमरीका में हलाकतें 85 हो गईं। हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं और लाखों अफराद बिजली से महरूम हैं। फ्लोरिडा में अब भी 7 लाख से जायद घरों की बिजली मअतल है। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा में टोरंटो समेत मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों लोगों ने ईरान में मुजाहरीन से इजहार एकजहती के लिए मार्च किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में टोरंटो समेत मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों लोगों ने ईरान में मुजाहरीन से इजहार यकजहती के लिए मार्च किया। कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटावा, टोरंटो और वैनकूवर समेत मुतादिद दीगर शहरों में हज़ारों लोग यकजहती रैली में शरीक हुए। टोरंटो की सड़क पर गाड़ियों ने 5 किलोमीटर तवील कतार लगाकर मुजाहरीन के साथ हिमायत का इजहार किया। उन्होंने टी शर्ट्स पहनी हुई थी जिन पर महसा अमीनी के लिए इंसाफ लिखा था और वो ईरानी परचम लहरा रहे थे। मुजाहरीन ने तेहरान में हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा किया और कनाडा से पाबंदियां बढ़ाने पर जोर दिया। ये इंतहाई अहम है कि ईरान के लोगों की आवाज़ें बने और उनका पैगाम दुनिया को पहुंचाएं। कनाडा ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम की वजह से पहले ही पाबंदियां आयद कर रखी हैं। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो दर्जनों ईरानी हुकाम के खिलाफ नए दौर का ऐलान किया। मुजाहरीन का कहना था कि अपने मुल्क, अपनी खवातीन और अपने लोगों की हिमायत में कम अज कम ये तो कर सकती हूँ जो जबर का शिकार है। ये ईरान की खवातीन के लिए है जो अपनी आज़ादी और अपनी जिंदगियों की जंग लड़ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 22 साल महसा अमीनी को इखलाकी पुलिस ने गैर मौजू लिबास के बायस गिरफ्तार किया था। हिरासत के दौरान कोमा में जाने के बाद इंतकाल कर गई थी, जिसके बाद ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हुए। इखलाकी पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी की हलाकत के बाद से ईरान में एहतजाज जारी है। कनाडा के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल वैन आयर का कहना है कि वो कनाडा की मुसल्ला फौज की तैयारी के बारे में फिक्रमंद हैं, क्योंकि उसे यूक्रेन के तनाज़े और घर में कुदरती आफात से निमटने की ज़रूरत दोनों के दबाव का सामना है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। कनाडा के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल वैन आयर का कहना है कि वो कनाडा की मुसल्ला अफवाज की तैयारी के बारे में फिक्रमंद हैं, क्योंकि उसे यूक्रेन के तनाज़े और घर में कुदरती आफात से निमटने की ज़रूरत दोनों के दबाव का सामना है। एक इंटरव्यू के दौरान डिफेंस चीफ ने कहा कि दो मसाइल दोनों तरफ से मजबूत मुतालबात की नुमाइंदगी करते हैं और आलात और अमले की कमी के मसाइल को देखते हुए वो हमारी मजमूई तैयारी के बारे में फिक्रमंद हैं। उन्होंने कहा, हमारी कौमी खुशहाली उसूलों पर मबनी बैन अल-अक़वामी निज़ाम का दिफा करने की हमारी सलाहियत पर मुनहसर है, लेकिन हमारी कौमी खुशहाली उन आफात से घर में लड़ने की हमारी सलाहियत पर भी मुनहसर है। उनका कहना था कि मैं मतलूबा रफ्तार से पैमाने पर जवाब देने की हमारी सलाहियत के बारे में फिक्रमंद हूँ और इसलिए हम अपनी तैयारी के अनासर को हल करने पर काम कर रहे हैं, चाहे वो लोग हों, चाहे तरबियत हो, चाहे सामान हो, बाकी सब कुछ जो हमें सही साइज़ और सही रफ्तार के साथ जवाब देने के काबिल बनाता है। फरवरी में जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, कनाडा ने यूक्रेन की मुसल्ला फौज की मदद के लिए काफ़ी मकदार में
फौजी साजो सामान भेजा है जिसका ज्यादातर जखीरा कनाडा की फौज के लिए था। मजीद बरां फौज ने नए अराकीन को भर्ती करने की अपनी सलाहियत के बारे में तशवीश का इजहार किया है, जो कि COVID-19 वबाई अमराज और जिनसी बद इंतजामी के स्कैंडल्स के असरात से मुतासिर है और उसे एहलकारों की कमी का सामना है। कनाडा के शहर टोरंटो में सैकड़ों साइकिल सवारों ने शहर की सड़कों को महफूज बनाने का मुतालबा कर दिया। मदीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में सैकड़ों साइकिल सवारों ने शहर की सड़कों को महफूज बनाने का मुतालबा किया है। सैकड़ों साइकिल सवार टोरंटो की सड़कों पर निकले ताकि एक्टिव TO की बंदिश और शहर में महफूज सड़कों के मुतालबात की तजदीद की जा सके। वो अक्टूबर के म्यूनिसिपल इलेक्शन से पहले मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाने की उम्मीद करते हैं और रहनुमाओं को बताते हैं कि बहुत से साइकिल सवार मौसम गर्मा के बाद टोरंटो की सड़कों का इस्तेमाल करते हुए महफूज महसूस नहीं करते। मुजाहिरीन का कहना था कि आप ये यकीनी बनाने का मुकम्मल मौका देख रहे हैं कि साइकिल सवार पैदल चलने वाले वो लोग जो लफ्जी तौर पर कारों में नहीं हैं यहाँ टोरंटो शहर में महफूज हैं। मुजाहिरीन के इस ग्रुप का मकसद एक्टिव TO प्रोग्राम को बंद कराना भी है। 2020 के मौसम बहार में अपने आगाज के बाद से एक्टिव TO ने COVID-19 लॉकडाउन के दौरान लोगों को बाहर जाने की तरकीब देने के लिए बहुत सी बड़ी सड़कों को बंद कर दिया और हज़ारों रिहायशों को प्रोग्राम की फराहम करदा खुली जगह से लुत्फानंदोज होते देखा। शहर के अमले ने, जिसने ट्रैफिक के मुजमरात की वजह से प्रोग्राम को सिटी काउंसिल तक महदूद करने की सिफारिश की थी, ने कहा कि वो जून और अक्टूबर के वस्त में जितने मिल सके इवेंट की तारीखों के साथ वापस आने का अहद करेगा। मुजाहिरीन ने कहा है कि ये वाकई अहम है कि जो भी इस इस्तलाह में काउंसिल में आता है वो सड़क के कमज़ोर इस्तेमाल करने वालों की जानों को संजीदगी से ले। ईरान में पुलिस की ज़ेर हिरासत लड़की की हलाकत के खिलाफ एहतजाज जारी है। इस हवाले से इंसानी हकूक ग्रुप ने बताया कि सिक्योरिटी क्रैकडाउन में हलाक अफराद की तादाद 133 हो गई है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ईरान में पुलिस की ज़ेर हिरासत लड़की की हलाकत के खिलाफ एहतजाज जारी है। इस हवाले से इंसानी हकूक ग्रुप ने बताया कि सिक्योरिटी क्रैकडाउन में हलाक अफराद की तादाद 133 हो गई है। ईरान में मुजाहरों का दायरा तहरान, यज़्द, करमानशाह, शिराज और मशहद समेत दीगर शहरों तक फैल गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में पुलिस की ज़ेर हिरासत 22 साल महसा अमीनी की हलाकत के खिलाफ ईरान समेत दुनिया भर में एहतजाज किया जा रहा है। ईरान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा ने भी एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए हैं और मुजाहरों का दायरा ईरान के अहम शहरों समेत दीगर शहरों तक भी फैल गया। लंदन में निकाली गई एहतजाजी रैली में बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। ऑस्ट्रेलिया में भी ईरानी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए गए। सिडनी में हज़ारों की तादाद में मर्दों और खवातीन ने ईरानी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इटली, स्विट्ज़रलैंड, नैदरलैंड्स और जर्मनी में भी हज़ारों अफराद ने ईरानी मुजाहरीन से इजहार यकजहती किया। वाज़ह रहे कि ईरान में अब तक किए जाने वाले एहतजाज के दौरान 133 अफराद हलाक हो चुके हैं। समंदरी तूफान आयन के बायस अमरीका भर में मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 85 हो गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। समंदरी तूफान आयन के बायस अमरीका भर में मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 85 हो गई। समंदरी तूफान आयन के बायस अमरीकी रियासतों जनूबी कैरोलिना और फ्लोरिडा के मुख्तलिफ इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है। हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं और लाखों अफराद बिजली से महरूम हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की रियासत फ्लोरिडा में 81 और नॉर्थ कैरोलिना में 4 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। फ्लोरिडा में अब भी 7 लाख से ज्यादा घरों की बिजली मुअत्तल है। तूफान के बायस वर्जीनिया में बारिशों से साहिली इलाकों में सैलाब का खतरा है। वाज़ह रहे कि समंदरी तूफान आयन बुध को फ्लोरिडा और जुमे को साउथ कैरोलिना से टकराया था। टैक टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।